हाँ बोल, आपका पाव तोड़ देती हूँ, फिर जाके बोल दूंगी कि मैंने तो। अरे चुप कर, बकवास आइडिया है। सुपर आइडिया है ने, है ने, है ने, है ने। लाओ पाव लाओ। अरे तेरा वाला नहीं तो मेरा आइडिया ये है कि foodfoodia.com से खाना मंगवा लेते हैं। अरे पर महेंद्र क्या पता उधर का खाना कैसा होगा। डोबी 5-star रेटिंग मिली है उसे, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, हर तरह की स्पेशलाइज रेस्टोरेंट लिस्टेड है इस पे। ओके। अरे पर महेंद्र उन लोग को पता नहीं चल जाएगा कि होटल का खाना है सब। अरे तो हम बोल देंगे ना कि हमने रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बनाया है। अरे डोबी वो तो सोच भी नहीं सकेंगे कि हमने होटल से खाना मंगाया है। तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। तो लिस्ट देना हम लोग क्या क्या बना रहे थे। हाँ, हाँ ये आज बाजरा ना रोटला, सेव टमाटर की सब्जी, संभारियो। योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, फूड विल बी डिलीवर्ड विद इन 1 hour 40 minutes। मतलब आज 7:45 तक खाना आ जाएगा। उर्मिला तू मुंह जुबानी याद कर ले हमने क्या क्या मंगवाया है। हाँ। क्योंकि हम ऐसा दिखाएंगे कि ये सारा खाना हमने ही बनाया है, समझ गई ना। अरे प्रभाकर, अरे सुचिता, मेनका बंडिया, अरे बुलाओ ना सबको। हाँ। ए सुचिता बंडिया, वाड़ा गिर जाएगा एक दिन, थोड़ा धीरे बुलाओ। बरोबर। हे सुचिता, हे बंडिया। अरे ऐसे बोलोगी ना तो कान में भी बोलोगी तो भी नहीं सुनाई देगा, थोड़ा जोर से बुलाओ। अन्ना नाप के बताइए ना, नाप के कितना जोर से बोलना है। चोपड़ी गप बस। महेंद्र। हाँ। हे महेंद्र, 7:45 बजने आ गए, पता करो वो खाना क्यों नहीं आया अभी तक। बस आता ही होगा, लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन है foodfoodia.com में, अभी चेक करता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ? That's why your order has been cancelled. Refund will be given within 2 working days. ऐसे कैसे प्लेस किया आपने ऑर्डर के उन लोगों ने कैंसिल ही कर डाला। तेरे सामने ही तो ऑर्डर किया था मैंने। तो फिर कैंसिल क्यों किया उन लोगों ने? नहीं नहीं, अब भी पूछो उनको फोन करके, वो भी 2.5 घंटे बाद कोई कैंसिल करता है ऑर्डर। रेस्टोरेंट डज नॉट हैव एनी डिलीवरी पर्सन। अरे उनके पास डिलीवरी बॉय नहीं था। तो अगर उन लोगों ने कैंसिल कर दिया तो आपने दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं लगाया? मुझे पहले पता चलता तो पहले कर नहीं लेता। कैसे पता चलता आपको? हा? ऐसे आपके मोबाइल में से ऐसा मुंडी बाहर निकल के लोग बोलते, महेंद्र भाई, ओ गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स वाले महेंद्र भाई, आपका ऑर्डर कैंसिल है, पकड़ो। अभी वो अन्ना विद फैमिली आता होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हमने ना आपके लिए दावत में हवा बनाई है, खाके बताना हाँ कैसी है, तो वो हमको डांट खिलाएगा सामने। बताना हाँ हमारी डांट कैसी लगी उर्मिला बहन। निर्मितिका की कैसी लग रही हो? अरे प्रभाकर, ये सुचिता के कपड़े फटे हुए हैं। ऐसे फटे कपड़े पहन के जाएगी क्या दावत पे? बहुत समय से तूने नए कपड़े दिलवाए नहीं है बेचारी को। आओ सुनिए ना, ये ना आजकल का फैशन है। हा? अन्ना लेटेस्ट फैशन। अच्छा अच्छा, तू फिर एक काम कर, हाथ में कटोरा ले और गुजराती के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जा और खाना मांग। खाना दे दो रे बाबा, खाना दे दो। जा जा बेटा, कपड़े बदली करके आ। अन्ना सब मतलब आजकल की युवा पीढ़ी इस तरह के ही कपड़े पहनती है, मतलब इसमें इतना बुरा क्या है अन्ना? हाँ वो भी है। हाँ तो फिर जा कैंची लेकर आ। जी? कैची, कैची लेकर आ बाड़ा। कैची? अरे कैची लाना। ये लीजिए अन्ना। प्रभाकर या बैठ। जी बैठ जा। चमचा है चमचा,
दाल हिलाने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए सासू भाई। पैर लंबे कर ये? नहीं नहीं, ऐसी पतलून पहनने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर तेरा पैजामा मेरी धोती भी फाड़ देते हैं। पैर लंबे कर मैंने बोला ना, ला। आओ, आओ। पकड़ कैची और मेरी धोती फाड़। धोती फाड़। और फाड़। बस हो गया, अभी तेरा पैजामा मेरी धोती ये भी नए फैशन के हो गए। ला ला कैची, ला कैची। भारती जोचना ये लो, तुम लोग भी अपनी साड़ी फाड़ लो घुटनों के आसपास से, तो ये भी नए फैशन के बन जाएंगे। अन्ना ये क्या किया आपने? पापा के पैजामे और मेरे जीन्स में बहुत फर्क है। देखो बेटा, फर्क तो हम मराठी और वो गुजराती में भी है, हम परंपरावादी है वो परिवर्तनवादी है, लेकिन फिर भी वो फर्क सभ्यता और असभ्यता का नहीं है। क्या है ना, ऐसी फटेली पतलून देखेगी ना तो वो उर्मिला बहन भी शर्मा जाएगी। हाय हाय जोयो जोयो, लड़की ने तो फटेली पतलून पहने लाचे। समझ गए ना भाड़ा? अच्छा चलो, तो अभी एक काम करते हैं, हम सब लोग फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं, और या तो फिर नहीं अन्ना, मैं ही चेंज करके आती हूँ। आ महेंद्र, कैसे कैसे और क्या क्या डींगे यहाँ के हमने, कैसा हाई क्लास गुजराती व्यंजन बना के खिलाएंगे ना हमें तो बदूम। अभी हमारे पास और कोई चारा है क्या? मैं काम करता हूँ, आसपास के 5-6 रेस्टोरेंट से 10-12 वैरायटी आइटम लेकर आता हूँ। मटर पनीर, सरसों का साग, दाल मक्खनी, और अगर पूछेंगे तो बता देंगे कि हमें लगा कि शायद आपको हमारा गुजराती खाना पसंद ना आए, इसलिए हमने पंजाबी स्टाइल में बना लिया। तो फिर एक काम करना महेंद्र, एक आध दो मराठी आइटम भी लेके ही आना। हाँ मराठी भी, साथ में बंगाली, बंगाली महेंद्र, बंगाली बंगाली स्वीट्स लेकर आऊंगा, रशियन रशियन, साइबेरियन साइबेरियन महेंद्र। सीधा नॉर्थ कोरिया ही चला जाता हूँ, वहां से 2-4 आइटम बनवा के ले आता हूँ। यहाँ मराठी और गुजराती खाने का ठिकाना नहीं है, और इसे साइबेरियन चाहिए। डोबी है तू, डोबी डोबी डोबागिरी करती है डोबी। ऐसे वक्त कोई डोबागिरी करता है क्या? हो हो, बजने लगा फिर से ये चाबी वाला बंदर टेंटे करके। अरे आप जाओ ना जल्दी। हाँ जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन देख तू एक काम करना। हाँ मुझे पता है क्या करना है, आप जब तक लौट के नहीं आते तब तक मैं अन्ना के घर जाके उन लोगों को वहाँ पे बिजी रखती हूँ। लेकिन बता कैसे बिजी रखेगी? डांस करूंगी हेलेन की तरह, ऐसे सोफे पे चढ़ के ऐसे मुंगड़ा मुंगड़ा करूंगी मैं। बस बात करो छोसाओ। अरे भुंडी लागे भुंडी, नीचे उतर। आप जाइए ना जल्दी। हाँ ठीक है जाता हूँ। अब मैं बिजी रखूंगी गोखले परिवार को। अरे चलो चलो भारती निर्मी, अरे चलो ना। हाँ। 7:20 हो गए, 7:30 बजे पहुंचना है वहां पे, वहां उनका खाना ठंडा बिंडा हो जाएगा ना, तो फिर बहुत तकलीफ होगी महेंद्र भाव को उर्मिला बहन को। हाँ अब हाय हाय, आप सब लोग तैयार है? मींस के वाह वाह, आप सब लोग तैयार है सरस। लेकिन हमारे घर में एक गड़बड़ हो गई है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर एन मौके पे बिगड़ गया। बोलो तो मैंने जो मस्त हाई क्लास फराड़ी पेटीज बनाई है ना, उसके साथ वो आपके सिल बट्टे पे बनी हुई चटनी नहीं होगी तो कैसा लगेगा है? इसलिए मुझे चटनी बनानी है धनिया और टमाटर की। मैं बनाती हूँ ना, 5 मिनट लगेंगे, आप लोग जाइए ना आगे। आहा चलो हम चलते हैं, हम परोसने में हाथ बटाएंगे। नहीं
मींस के मुझे मूंगफली की चटनी भी बनानी है और नारियल की भी बनानी है, वो आप लोगों में होती है ना मराठी स्पेशल, और खजूर और इमली की चटनी भी बनानी है और अलग अलग की चटनी भी बनानी है। ये खजूर इमली के बाद कौन सी चटनी बताई थी, वो कौन सी? वो आम पुदीना, आम पुदीना। हाँ हाँ करेक्ट, यही कौन सी? आम पुदीना। आम पुदीने की बनानी है। लेकिन वहिनी निर्मिति फटाफट पूछ लूंगी ना आई, वहिनी आम पुदीने का इशारा ऐसे कैसे हुआ? ये आम का इशारा था निर्मिति, गर्भवती औरत को आम खाना पसंद होता है ना। वाह सरस। हाँ तो मुझे ये सब चटनी बनानी, आप सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो, आओ आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओ भानुमति बहन, आप भी बैठ जाओ। भानुमति? हाँ भाई हाँ, अभी ओबाल की खाल निकालने का टाइम नहीं है। अरे अरे खड़े हो जाओ, ओ भानुमति बहन खड़ी हो जाओ, भानुमति। अरे अरे उर्मिला बहन, हमको चटनी खानी ही नहीं है, चलो। क्यों? अरे है ना, आप गुजराती लोगों ने हर बात में चटनी की आदत लगा दी है, फिर वो चटनी का स्वाद व्यंजन के स्वाद पे हावी हो जाता है। लेकिन लेकिन चटनी तो स्वादिष्ट होती ही है, हाँ। है ना? तो व्यंजन स्वादिष्ट नहीं होता क्या आप लोगों का? हाँ? ओ ना भाई, हमारा गुजराती व्यंजन स्वाद में तबला तोड़ होता है। हाँ? तो फिर उस स्वाद को चटनी के स्वाद के साथ बदलने का क्या मतलब? ठीक है, तो आप लोग व्यंजन अलग से खा लेना और बाद में चटनी अलग से खाने के बाद खा लेना, लेकिन चटनी तो मैं बना के ही जाऊंगी। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो 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 भानुमति बहन बैठो। अरे उर्मिला बहन, वो चटनी क्या रबड़ी है कि खाने के बाद में खाएंगे? हाँ बात क्या है? अरे समझिए ना भाई, विचारो महेंद्र। अरे महेंद्र भाऊ, अरे भाऊ मैं, अरे प्रभाकर, ये सब क्या है? ये मतलब ये डिब्बे ना? हाँ ये खाली डिब्बे हैं। अच्छा, वो देख क्या है कि हमारे हाथ का खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना आप लोग घर ले जाने की डिमांड करोगे ही करोगे, तो लिख ले टेक इट फ्रॉम मी, इसलिए ये खाली डिब्बे लेकर आया मैं पार्सल देने के लिए। लेकिन खाली डिब्बों में इतना वजन, क्योंकि इसमें पत्थर है ना। क्या? हाँ कुछ ही दिनों में हमारी दुकान खुलने वाली है, गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। हाँ। और हम लोग तो फ्री होम डिलीवरी रखने ही वाले। वाह वाह, तो तो ऐसा है कि अब बड़े बड़े ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे। हाँ। है ना, तो मेरी दुकान के डिलीवरी बॉय को वजन कितना और कैसे उठाना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। है? अच्छा अभी, मतलब ये दावत के वक्त तुझे कोई ऐतराज है? और दावत के वक्त तू इस गली में भटक क्यों रहा है ये बता। वो मेरे पेन की रिफिल खरीदने जा रहा हूँ। हाँ तो ले आना भाई। हाँ ठीक है। अच्छा सुन। हाँ। संगीत सम्मेलन याद है ना? हाँ हाँ, वो पेट का दर्द, उस पे प्रेम गीत लिखना है। हाँ। तो फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। सच में बहुत भारी है ये डिब्बे। बिचारो महेंद्र, 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 बस सिर्फ महेंद्र। हाँ महेंद्र का क्या? महेंद्र, महेंद्र का महेंद्र। हाँ महेंद्र, मुझे डिवोर्स दे देंगे चटनी नहीं बनी तो। अरे बाप रे, वो आप क्या बोल रही है? क्या बताऊं आपको मैं, जब हमारी शादी हुई ना तो ऐसे महेंद्र आए। लौका लौका जल्दी करो। तो फिर मेरे पापा आए।
और फिर महेंद्र और पापा सामने सामने हो गए। तो महेंद्र ने पापा को बोला कि अब हमको शादी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 6 से 7 प्रकार की चटनी चाहिए। बोले कि पत्नी नहीं होगी तो चलेगा, चटनी होनी चाहिए। फिर पापा ने बोला चटनी, तो महेंद्र बोले चटनी। फिर मेरी मम्मी ने बोला चटनी, तो महेंद्र बोले चटनी। फिर विदाई भी चटनी की हुई, बोलो चटनी। हाँ हाँ। फिर महेंद्र ने घूंघट खोला तो क्या देखा चटनी, पत्नी भी चटनी। और फिर महेंद्र ने मेरे हाथ से चटनी ली और चले गए। बोलो। अच्छा उर्मिला बहन, ये गायत्री है वो आपकी बेटी है कि चटनी की बेटी है? एप्पल। महेंद्र एप्पल चटनी में डुबो डुबो के खाते हैं। बोलो। जलेबी, जलेबी एप्पल तो छोड़ दो, जलेबी भी चटनी में डुबो डुबो के खाते हैं। बोलो। आइए वो अच्छे। ओ इस वक्त किसका फोन आया? ना सर। हेलो महेंद्र भाऊ, नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा महेंद्र भाऊ, एक जरा पूछने का था, आप सेब ये एप्पल कौन सी चटनी में डुबो के खाते हैं? क्या पुदीना? पुदीना पुदीना सेब। अरे सेब तो मैं चाट मसाला में डुबो के खाता हूँ। अच्छा चाट मसाला में डुबो के खाते हैं? अरे माफ करना, दरअसल मैं ये पूछना चाहता था, सेब नहीं रे, जिलेबी। जिलेबी कौन सी चटनी में डुबो के खाते हैं? जिलेबी। देखिए अन्ना साहब, अभी आप हम गुजरातियों की बेइज्जती कर रहे हैं। जिलेबी हम चटनी में डुबो के नहीं खाते, रबड़ी में डुबो के खाते हैं। रबड़ी में डोबा छोसा डोबा चक्रम लाल सोचो मायरो। हेलो, मैं यहाँ पर चटनी बनाने क्यों आई थी? अन्ना साहब, अरे मैं तो कसम भी खाता हूँ तो चटनी में डुबो डुबो के खाता हूँ। उर्मिला की कसम। उर्मिला तू घर आ जा, अभी बहुत देर हो गई है ना, मैं बिना चटनी के ही खा लूंगा खाना, समझ गई? मींस के चक्रमलाल खाना लेकर घर पहुंच गए हैं।